नमस्कार दोस्तों, वीडियो में देखें दोस्तों, जेके टायर के सीआर में 3 नवंबर के लिए क्या क्या लेवल से टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए। दोस्तों नोटिस कर सकते हैं, यहाँ पे जेके टायर का हम देख रहे हैं वीकली टाइम फ्रेम पे चार्ट लगा हुआ है। ओवरली स्टॉक आपको अप ट्रेंड में कंटिन्यू करता दिखाई दे रहा है, दोस्तों इसी को ध्यान रखेंगे। दोस्तों नोटिस कर सकते हो, स्टॉक यहाँ से अपने प्रीवियस का रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके ऊपर बढ़ रहा है, और ये भी एक रेजिस्टेंस लाइन था जिसको उसने ब्रेकआउट करके क्लियरली ऊपर बढ़ता आपको देखने को मिल रहा है। तो अभी के लिए नोटिस करेंगे, स्टॉक में आपको रेजिस्टेंस लाइन दिखाई दे रहा है 346 में है। जैसे इसको ब्रेकआउट करेगा स्टॉक एक वन डायरेक्शनल मूवमेंट आपको दिखा सकता है। जेके टायर में अगर बात करें कि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए क्या क्या लेवल से टारगेट को ध्यान में रखना चाहिए, तो आपको दिखाई दे रहा है 341 में रहेगा रेजिस्टेंस लाइन, सपोर्ट लाइन दिखाई दे रहा है 332 में रहेगा। अगर इसको ब्रेक डाउन करें तो एक गैप को फील कर सकता है। वीडियो सिर्फ एक एजुकेशन पर्पज बनाया गया है, स्टॉक में बाय सेल होल्ड करने की कोई भी सलाह सुझाव नहीं। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन भी जरूर दबा लीजिए। धन्यवाद।